हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी नई खरीदने जा रहे हैं या कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। पर उससे पहले आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और किसी भी जानकारी के लिए फर्दर आप हमें इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई जमीन, कोई जायदाद, आपके मकान खरीदने जा रहे हैं तो आपको किस बात का सबसे पहले ध्यान रखना है, उसमें कुछ पॉइंट्स हैं। जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि जिस प्रॉपर्टी को आप खरीदने जा रहे हैं सबसे पहले उस प्रॉपर्टी का पोजेशन यानी उसका कब्जा वो होना चाहिए जो आपको प्रॉपर्टी बेच रहा है उसके पास, यानी कि जो कि सेलर है उसके पास उसका पोजीशन होना जरूरी है, तभी आप उसको लें, क्योंकि नहीं तो इसके ऊपर कल को आपको परेशानी आ सकती है। दूसरी बात, जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आप पिछले जो चेन है, पिछले जो डॉक्यूमेंट्स हैं उस प्रॉपर्टी के, उनको अच्छे से वेरीफाई कर लें या किसी अपने लॉयर से वेरीफाई जरूर कराएं कहीं उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है। तो ये आपको जरूर चेक कराना है किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले। आपको एक चीज और चेक करना है, क्या उस प्रॉपर्टी के कोई लोन तो नहीं है? जो प्रॉपर्टी आप खरीदने जा रहे हैं उस पर लोन है कि नहीं है, इसको चेक कराने के लिए आपको इनकंबरेंस सर्टिफिकेट इशू कराना होगा कंसर्न अथॉरिटी से, जिससे कि आपको पता लग सके कि इस प्रॉपर्टी पे कोई प्रीवियस लायबिलिटी है या नहीं। चौथी बात, आपको ये चेक करना है क्या इस प्रॉपर्टी पर कोई पीछे से लिटिगेशन तो नहीं है, कोई केस, कोई मुकदमा इस प्रॉपर्टी पे पहले चल तो नहीं रहा है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ है तो कल को बहुत परेशानी आपको झेलनी पड़ सकती है। अगर आप इंडियन सिटीजन नहीं है, यानी अगर आप फॉरेन नेशनल है और वहां के सिटीजन है तो भी आप प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते इंडिया में, आपको परमिशन लेना पड़ेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से एज पर सेक्शन 31 ऑफ दी फेमा एक्ट। बिना परमिशन के आप उस प्रॉपर्टी में हाथ नहीं डाल सकते। पांचवा पॉइंट ये है कि आप जिस प्रॉपर्टी को खरीद रहे हैं आपको उसकी जो उसके टाइटल डॉक्यूमेंट्स है, सीएनडी वगैरह है, उसको रजिस्टर कराना जरूरी है। अगर आप उसको सिर्फ नोटराइज कराते हैं तो भी वो वैलिड सेल कल को नहीं मानी जाएगी, उसके अंदर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। अगला ये पॉइंट है कि जिस प्रॉपर्टी को आप खरीदते हैं उसमें आपने उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, साथ साथ हाउस टैक्स, आपको ये देखना है कि वो अप टू डेट है या नहीं है। जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको ये तीनों चीजों को देखना है कि ये जो है फुली पेड हो जिस डेट को आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। अगर आप कोई प्रॉपर्टी ऐसी खरीदते हैं जिससे कि लिफ्ट लगी हुई है तो आपको ये भी चेक करना है कि लिफ्ट का लाइसेंस है या नहीं है। उस लिफ्ट का लाइसेंस होना जरूरी है ताकि अगर कोई उस पे अनटोवर्ड इंसिडेंट की घटना हो जाती है तो कल को आपके ऊपर लायबिलिटी ना बने। अगर आप कोई बिल्डर फ्लोर खरीदते हैं, आप कोई ऐसी जगह खरीदते हैं जहां पे प्लॉट्स हैं और उस पर बिल्डिंग बनाई गई है तो आपको ये जरूर चेक करना है कि उसका नक्शा पास है, उसका जो सैंक्शन प्लान है वो जरूर होना चाहिए, तभी आप उस प्रॉपर्टी में हाथ डालें। हाँ, एक और जरूरी बात, जब आप किसी प्रॉपर्टी को खरीदते हैं तो उसकी प्रीवियस चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो है, जो कि पहले वो प्रॉपर्टी कहीं बिकती हुई आई है, उसको जरूर अपने किसी लीगल एडवाइजर से या अपने किसी लॉयर से उसको जरूर आप वेरीफाई करवाएं। और जो सेल डीड आप अपने नाम पर भी कराने जा रहे हैं, जो टाइटल डॉक्यूमेंट्स कराने जा रहे हैं, उसकी ड्राफ्टिंग भी आप जरूर चेक करवाएं अपने लीगल एडवाइजर से या अपने लॉयर से।